आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी की ताकत बरकरार है। जिन्हें लगता था कि वे कानून से ऊपर हैं, अब कानून उनके पीछे है। इसके अलावा 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसे लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैसे ही कानून अपना काम करने लगता है, वैसे ही कुछ लोग सड़कों पर आ जाते हैं। भ्रष्टाचार से अब रोजगार या कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते, अब भ्रष्टाचार जेल जाने का रास्ता है। धनखड़ बोले, वे कहते हैं कि चुनाव के समय कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। क्या आप नैतिकता के आधार पर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों से इसलिए नहीं निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह त्योहारों का मौसम है या खेती का मौसम है? जो दोषी है उन्हें बचाने का कोई मौसम कैसे हो सकता है? जगदीप धनखड़ ने अमेरिका, जर्मनी और यूएन के दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बयान देने पर कहा कि भारत में मजबूत न्यायिक व्यवस्था है, भारत को कानून को लेकर किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कहा, भारत के न्यायिक व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत में कानून के लिए सब लोग समान हैं, समानता न्याय आदर्श है, और जो लोग सोचते हैं कि कानून से परे हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जा रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ।